सो हाय एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार नया एक और वीडियो में स्वागत है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जितना नया यूट्यूब क्रिएटर्स होता है सभी ने एक ही गलती करता है। जैसे कि दोस्तों, एक नया यूट्यूब चैनल ओपन करने के बाद यूट्यूब पर हर एक वीडियो देखने लगता है कि किस टॉपिक पर ज़्यादा व्यूज़ आ रहा है। जो टॉपिक पर ज़्यादा व्यूज़ आ रहा है उसी टॉपिक के हिसाब से वीडियो बनाने लगता है। तो दोस्तों, अगर आपने ऐसा गलती कर रखा है तो आज से ये आपको चेंज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि दोस्तों, एक नया YouTube चैनल के लिए एक नीश होता है। अगर दोस्तों आपका जो नीश है, नीश के हिसाब से आप वीडियो अपलोड नहीं करते हो तो आपका वीडियो पर व्यूज़ कभी भी नहीं आता है और आप कभी भी आपका चैनल रिव्यू में नहीं बेच सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आपका जो नीश है, नीश के हिसाब से एक नया चैनल पर वीडियो अपलोड करना होता है। दोस्तों, मैं ये तो गारंटी दे सकता हूँ आपको कि अगर आप एक नीश के हिसाब से अगर आप वीडियो अपलोड करते हो तो आपको 200 या 300 वीडियो अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, लगभग आप 15 से 20 जब वीडियो अपलोड करेंगे उसके बाद दोस्तों आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका चैनल ग्रो होना शुरू किया है। क्योंकि दोस्तों, यूट्यूब ने यह आपको पता लगा सकता है जब आप नीश के हिसाब से वीडियो अपलोड करते हो। जैसे कि दोस्तों, मान के चलिए अगर आपने एक यूट्यूब चैनल ओपन किया है और उस चैनल पर यूट्यूब टिप्स देते हो, अक्सर आपको लगता है कि जो यूट्यूब टिप्स आप ऑडियंस को दे रहा है इस टिप्स फॉर व्यूज़ नहीं आ रहा है। और दोस्तों, अगर आपने देखा है कि ऑनलाइन आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड कैसे बनाए, इस वाली वीडियो आपने देखा है और उसके बाद इस वीडियो पर आपने व्यूज़ ज़्यादा देखा है और उसके बाद दोस्तों आपने क्या किया कि इस तरह वीडियो बनाने लग गया है, तो दोस्तों आपने ये बहुत बड़ा गलती किया है। क्योंकि दोस्तों, इसको कहा जाता है नीश। दोस्तों, जो नीश आप सिलेक्ट करते हो उसी के हिसाब से आपको वीडियो अपलोड करना होता है। ज़्यादातर लोग, जैसे कि दोस्तों 100 में से 80% लोग मल्टीपल वीडियो अपलोड करता है और मल्टीपल वीडियो अपलोड करने की वजह आपका चैनल में 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होता है और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं होता है। और दोस्तों, जब तक ये 4000 घंटा वॉच टाइम और 1000 कंप्लीट सब्सक्राइबर नहीं होता है तब तक आप रिव्यू के लिए नहीं बेच सकते हो और जब तक ये मोनेटाइजेशन आपका चैनल नहीं होता है तब तक आप इस चैनल की थ्रू अर्निंग नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये ज़्यादातर लोग गलती करता है। और दोस्तों, यहाँ पर और भी ऑप्शन है। जैसे कि दोस्तों, ज़्यादातर नया क्रिएटर्स ये गलती कर रखा है कि एक नया यूट्यूब चैनल ओपन करने के बाद लोग क्या करते हैं कि लोग पागल हो जाते हो कि 1000 सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट करना है। तो दोस्तों, आज की बात ये टेंशन आपको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, एक नया यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता है। और दोस्तों, अगर आप मुश्किल की रास्ता पर जाते हो तो आपके लिए मुश्किल होता है और दोस्तों, अगर आप आसान रास्ता में जाना चाहते हो तो आपके लिए बहुत आसान होता है। तो दोस्तों, आसान कैसे होता है? जैसे कि दोस्तों, अगर आप एक ही नीश के ऊपर वीडियो अपलोड करते हो तो आपका जो 1000 सब्सक्राइबर है ये कंप्लीट होता है, उससे ज़्यादा होता है, जैसे कि 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाता है। और दोस्तों, जो 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट करना है, यहाँ पर 10000 आवर्स वॉच टाइम कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको टेंशन नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों, ज़्यादातर लोग गलतियाँ करते हैं कि साफ पर साफ करते हैं और वॉच टाइम बढ़ाने के लिए लोग क्या करते हैं कि खुद का मोबाइल पर खुद का वीडियो देखता है। अगर आपने इस तरह गलती कर रखा है कि खुद का वीडियो खुद आप देख रहे हो तो आज से ये आपको बिल्कुल बंद करना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, अगर आप खुद का खुद वीडियो देखते हो तो देखिए, एक मोबाइल का एक ही आईपी एड्रेस होता है और यूट्यूब को ये पता चलता है कि आप एक ही जगह से एक ही वीडियो देख रहा है। तो दोस्तों, इस तरह आप गलती मत करना। दोस्तों, अगर आप इस तरह गलती करते हो तो आपका चैनल कभी भी मोनेटाइजेशन नहीं होता है। दूसरी बात आता है कि दोस्तों, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि नया एक यूट्यूब चैनल ओपन करने के बाद जो वीडियो चैनल पर अपलोड करते हो, चैनल पर वीडियो अपलोड करने के बाद जितना फ्रेंड्स है, जितना प्लेटफॉर्म्स होता है, सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर जितना फ्रेंड्स है सबका पास ये वीडियो शेयर करता है। तो दोस्तों, एक चीज़ आपको अंदाज़ा लगाना पड़ता है, जो बंदा आपको पहचानता है ये बंदा आपका वीडियो बिल्कुल नहीं देखता है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर एक रीज़न है, क्योंकि दोस्तों आपका वीडियो आपका फ्रेंड जब देखता है तो उसके बाद ये वीडियो फुल वॉच नहीं करता है, आपके रिलेशन की वजह एक बार क्लिक करके निकल जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको एक चीज़ अभी तक पता नहीं तो ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, एक वीडियो पर क्लिक करने के बाद आपका बहुत लॉस होता है। दोस्तों, आपका एक वीडियो पर लाइक कोई क्लिक किया है और उसके बाद साथ ही साथ निकल गया है तो यूट्यूब क्या समझता है? यूट्यूब समझता है कि आपका जो वीडियो है ये वीडियो बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसलिए लोगों को पसंद नहीं आ रहा है और जो लोग क्लिक किया है वही लोग निकल के जा रहा है।
एक्चुअली होता क्या है कि आपका वीडियो सही ऑडियंस पर पहुंचा नहीं है, आपका जो फ्रेंड है फ्रेंड का पास आपने वीडियो शेयर किया है तो फ्रेंड आपका वीडियो तो कभी भी नहीं देखता है, आपके खातिर से एक बार उस वीडियो पर क्लिक करता है लेकिन पूरा वीडियो वॉच नहीं करता है। तो दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर खुद का वीडियो खुद नहीं देखना है और खुद का वीडियो किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर नहीं करना है। दोस्तों अगर ऐसा फ्रेंड होता है कि ये वाली वीडियो फ्रेंड की बहुत ज़रूरत होता है तो आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्रेंड का बहुत ज़रूरत है और फ्रेंड जरूर से जरूर ये वीडियो फुल वॉच करेगा। इसलिए दोस्तों जो वीडियो आप अपलोड करते हो ये वीडियो आप किसी के पास शेयर नहीं करना चाहिए, तब भी सबसे बेटर होता है। और दोस्तों और भी लोग गलतियां करते हैं, जैसे कि 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए किसी वेबसाइट से ये खरीद लेते हैं, या 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए किसी वेबसाइट से 1000 सब्सक्राइबर खरीद लेते हैं। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा गलतियां होता है। दोस्तों एक चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है, जैसे कि दोस्तों मान के चलिए अगर आपने 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट करवा लिया है पैसा की वजह से, मैं मान लिया, लेकिन दोस्तों आपने 1000 सब्सक्राइबर पैसा की वजह से आपने खरीद लिया है, तो दोस्तों अगर आप YouTube पर आया क्यों, तो दोस्तों अगर आपको कोई सवाल करता है कि आप YouTube पर क्यों वीडियो बना रहा है तो आप क्या जवाब देते हो, आप वही जवाब देते हो कि YouTube से पैसा कमाना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले अंदाज़ा लगाना होता है कि YouTube पर पैसा कमाने के लिए लोग YouTube पर वीडियो अपलोड करते हो। और दोस्तों अगर आपने 1000 सब्सक्राइबर पैसा से खरीद लिया है तो जो 1000 सब्सक्राइबर पैसा से खरीद लिया है ये लोग आपका वीडियो बिल्कुल नहीं देखता है, और दोस्तों मोनेटाइजेशन होने के बाद अगर आपका वीडियो पर व्यूज़ नहीं आता है तो आपको थोड़ी ना पैसा मिलता है। इसलिए दोस्तों अगर आप सब्सक्राइबर पैसा से खरीदना चाहते हैं तो ये गलतियां बिल्कुल मत कीजिए। सो दोस्तों आई होप ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है तो लाइक करना है, चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जितना फ्रेंड है सारे फ्रेंड का साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करना है। सो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।